hello dear students jyoti tiwari is here and our today's video is going to be very important for you because uh, you know that the topics which are coming for paragraph writing or essay writing are based on the present time events and activities in this way this video is very important for you because today i have brought for you a paragraph on man and mobile दिस पैराग्राफ कैन बी आस्क लाइक ऑनलाइन एजुकेशन डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया और मैन एंड मोबाइल और मैन एंड इंटरनेट और इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन सिस्टम तो स्टूडेंट्स इनमें से यदि कोई भी टॉपिक आपको पैराग्राफ लिखने के लिए या फिर निबंध लिखने के लिए पूछा जाता है तो आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ मॉडर्न इरा इज़ नोन एज द इरा ऑफ टेक्नोलॉजी इरा मीन्स युग आधुनिक युग तकनीकी के युग के नाम से जाना जाता है वी कैन सी मैनी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल अराउंड अस हम अपने चारों ओर तकनीकी की उन्नति को देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन हैज़ नाउ बिकम द नेसेसिटी ऑफ मॉडर्न मैन मोबाइल फ़ोन आधुनिक मानों की आवश्यकता बन चुका है मोबाइल फ़ोन और सेलुलर फ़ोन इज अ डिवाइस मेनली यूज फॉर वॉइस कॉल मोबाइल फ़ोन या सेलुलर फ़ोन जो होता है वह एक उपकरण होता है जो कि मुख्यतः वॉइस कॉल करने के लिए उपयोग किया जाता है एवरी एडवांसमेंट हैज़ ब्रॉट गुड एंड एविल इफेक्ट्स कोई भी प्रगति या उन्नति अपने साथ अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव को लाती है द एडवांटेज ऑफ द मोबाइल फोन आर गिवन बिलो मोबाइल फ़ोन के जो लाभ हैं वे नीचे दिए गए हैं और इसका फर्स्ट लाभ है कीप अस कनेक्टेड मोबाइल फ़ोन हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है मोबाइल फ़ोन इज़ मेनली यूज टू मेक अ कॉल मोबाइल फ़ोन का उपयोग मुख्यतः कॉल करने के लिए या बात करने के लिए किया जाता है वी कैन टॉक टू द पर्सन हु इज़ थाउजेंड्स माइल अवे फ्राम अस विद द मोबाइल फ़ोन हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा अपने से हज़ारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं वी कैन डू वीडियो कॉल ऑल्सो विद द मोबाइल फ़ोन हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं वीडियो कॉल मेक अस रियलाइज दैट वी आर वेरी क्लोज़ टू आर नियरर एंड डियरर वीडियो कॉल हमको ये एहसास दिलाते हैं कि हम अपने निकटतम और प्रिय व्यक्ति के बहुत करीब हैं ड्यू टू इट्स यूटिलिटी मोबाइल फोन्स आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड्स अपनी उपयोगिता के कारण मोबाइल फ़ोन लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं एज एजुकेशन मेडिसिन बैंकिंग एंटरटेनमेंट बिजनेस एक्सेट्रा एनी एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट रिमेन अनटस्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल फ़ोन मनुष्य के जीवन का कोई भी पहलू तकनीकी और मोबाइल फोन से अछूता नहीं बचा है इट हैज़ बीन बिकम द ग्रेटेस्ट हेल्पिंग हैंड फॉर मैन काइंड मोबाइल फ़ोन मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा सहायक बन चुका है डिसडवाटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन मीन्स मोबाइल फ़ोन से हानियाँ एवरी थिंग हैज़ टू साइड्स मोबाइल फ़ोन हैज़ डार्क साइड ऑल्सो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं इसी प्रकार मोबाइल फोन का भी एक अंधेरा पक्ष भी है द डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स मोबाइल फ़ोन से होने वाली हानियों को निम्नलिखित बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है चाइल्ड एडिक्शन मीन्स बच्चों में लत का लगना नाव अडेज चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू मोबाइल फ़ोन्स आज जो बच्चे हैं वे मोबाइल फ़ोन के आदि बन चुके हैं मोबाइल फ़ोन हैज़ नाओ बिकम अ टॉय फॉर चिल्ड्रन मोबाइल फ़ोन बच्चों के लिए एक खिलौने जैसा बन गया है दो चिल्ड्रन हु इवन डोंट नो हाउ टू स्पीक दे ऑल्सो नो हाउ टू यूज़ मोबाइल वे बच्चे जो कि ढंग से बोलना भी नहीं जानते हैं वे भी मोबाइल फ़ोन को चलाना जानते हैं मोबाइल फ़ोन का नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ ऑल द एज ग्रुप मोबाइल फोन का अधिक मात्रा में उपयोग हर एज ग्रुप के मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है पीपल हु वॉच और वर्क कंटिन्यूसली ऑन मोबाइल फोन्स दे आई साइड बिकम्स वीक वे लोग जो लगातार मोबाइल फोन पर काम करते हैं उनकी देखने की जो क्षमता होती है मतलब नेत्र दृष्टि कमजोर हो जाती है मोबाइल फोन का अगला हार्मफुल इफेक्ट है स्टेटस सिंबल मीन्स प्रतिष्ठा का प्रतीक मोबाइल फ़ोन हैज़ नाउ बिकम द स्टेटस सिंबल। मोबाइल फ़ोन आज के समय में लोगों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है मैनी पीपल वेस्ट मनी इन बाइंग एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन्स वेयर एज दे डोंट रियली नीड इट बहुत से लोग अपने पैसों को महंगे मोबाइल फ़ोन ख़रीदने में वेस्ट करते हैं जबकि उन्हें इतने महंगे फ़ोन की सचमुच में ज़रूरत नहीं होती है क्रिएटिंग डिस्टेंस मोबाइल फ़ोन लोगों के बीच की दूरियां भी बढ़ा रहा है नाव अ डेज पीपल आर विज़ी विद देयर मोबाइल फ़ोन्स दे डोंट अवेयर ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड दैम आज के समय में लोग अपने मोबाइल फ़ोन के साथ बिजी रहते हैं उनको इस बात की भी जानकारी नहीं होती है कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है मीन्स उनके आसपास कौन सी घटना घटित हो रही है इट हैज़ इनक्रीज़्ड द डिस्टेंस बिटवीन पीपल मोबाइल फ़ोन ने लोगों के बीच में दूरियां बढ़ा दी हैं मीन्स लोग अपने आस पड़ोस में आपस में बात ना करके अपने मोबाइल फ़ोन में बात करने में बिजी रहते हैं इनफैक्ट there इज़ नथिंग wrong विद मोबाइल फ़ोन और एनी टेक्नोलॉजी इट इज़ अप टू मैन हाउ टू यूज़ इट वास्तव में मोबाइल फ़ोन या किसी भी टेक्नोलॉजी में कोई भी बुराई नहीं है यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसी भी टेक्नोलॉजी का या मोबाइल फोन का उपयोग कैसे करता है सो वी शुड यूज़ मोबाइल फ़ोन जुडिशियसली इसलिए हमें मोबाइल फ़ोन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए तो डियर स्टूडेंट्स ये था पैराग्राफ ऑन मैन एंड मोबाइल वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल का नाम तो याद होगा इंग्लिश विद ज्योति मैम थैंक्स फॉर वॉचिंग इट वी विल मीट सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप ऑन स्टडी एंड स्टे हेल्दी थैंक यू